Good morning, students. How are you? So, today you have to write in margin line revision. Four lines mein aapko heading likhna hai. Do as directed. So, yahan par jo instruction di hai, bracket mein aapko, wo follow karke aapko yahan par jo blanks hai wo complete karni hai. So, ये जो क्वेश्चन है वो सारे ग्रामर बेस्ड है. So, जब भी आप ग्रामर क्वेश्चन लिखते हो, so you have to read the question twice or thrice, दो से तीन बार आपको रीड करना है, then you have to write the answer, okay? So, let's start with number one. Are you doing everything yourself? Are you doing everything yourself? Instruction दी है यहाँ पर. Underline the reflexive pronouns. Reflexive pronouns you have already learned, लेकिन काफी दिन हो गए हैं, सब लोग भूल भी गए होंगे, है ना? So आपको फिर से once again remind करना है, क्योंकि answer तो लिखने पड़ेंगे. So आपने myself, yourself, herself, himself सुना है कि नहीं? So वो सब क्या है? So, they are called reflexive pronoun. So यहाँ पर ये जो sentence है उसमें क्या लिखा हुआ है? Are you doing everything yourself? तो yourself क्या है? Reflexive pronouns. So we have to underline here. Okay. Next है number two. That is a beautiful picture. That is a beautiful picture. ब्रैकेट में लिखा है सर्कल द एडजेक्टिव. तो ये जो सेंटेंस है उसमें जो एडजेक्टिव है उसके ऊपर हमें क्या करना है? तो वी हैव टू सर्कल ऑन इट. सो यहां पर हमारा एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल. सो वी हैव टू सर्कल ऑन ब्यूटीफुल. पिक्चर है लेकिन कैसा है? तो ब्यूटीफुल है. जो डिस्क्राइबिंग वर्ड भी हम उसे कहते हैं एडजेक्टिव को, क्योंकि वो नाउन्स को क्या करते हैं? तो डिस्क्राइब करते हैं. आगे लिखा है नंबर थ्री. आई हैव लिटल वॉटर इन द बॉटल. आई हैव लिटल वॉटर इन द बॉटल. ब्रैकेट में लिखा है अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड राइट द काइंड ऑफ एडजेक्टिव. मीन्स यहां पर हमें एडजेक्टिव ढूंढ के अंडरलाइन तो करनी है, लेकिन वो कौन से काइंड का है? आपने सीखा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स. ओके, ऐसे अलग अलग एडजेक्टिव्स आपने ऑलरेडी सीख लिए. क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव्स, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव्स. सो यहां पर लिखा है आई हैव लिटल वॉटर इन द वॉटर. सो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सेंटेंस है उसमें एडजेक्टिव कौन सा है. विच इज द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस. सो फाइंड आउट इट फर्स्ट ऑफ ऑल. सो ये जो एडजेक्टिव्स है वो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है. तो यहां पर जो है लिटल, तो लिटल क्या है? एडजेक्टिव है. कौन सा एडजेक्टिव है? तो हमें यहां पर लिखना है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्यू यू ए एन टी आई टी वाई. कौन सा एडजेक्टिव है ये? विच इज, विच एडजेक्टिव इज दिस? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ओके, क्यों? क्योंकि यहां पर देखो लिटल वाटर, यहां पर वाटर की क्वांटिटी दिखाई, वाटर है कितना है, तो लिटल है. ओके, सो ये कौन सा काइंड है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नेक्स्ट आगे देखो विशाल इज लेस देन वैशाली. विशाल इज लेस देन वैशाली. ब्रैकेट में लिखा है टॉल. अगर ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो आपको ध्यान से लिखना है. तो ये जो सेंटेंसेस है वो डिग्री है, आपने सीखी है ना, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री. तो ये सेंटेंस में आपको खास ध्यान रखना है, सेंटेंस में देखना है कि द का यूज कहां है, देन कहां यूज हुआ है, देन आपके लिए आपको राइट द आंसर. तो विशाल इज
less than वैशाली. यहाँ पे blends के बाद देखो क्या है, then लिखा है. means जब भी सेंटेंस में देन आता है तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं? ऑब्वियसली वी हैव टू यूज कंपैरेटिव डिग्री. तो विशाल इज टॉलर, टी ए डबल एल ई आर, टॉलर. कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या ऐड करते हैं? मोस्टली वी आर, सॉरी ई आर. विशाल इज टॉलर देन वैशाली. ओके, सो यहाँ पर दो पर्सन के बीच में कंपेरिजन हो रहा है. और कंपेरेटिव डिग्री में मोस्टली दो पर्सन के बीच में ही कंपेरिजन होती है. सो विशाल इज टॉलर देन वैशाली. नेक्स्ट है नंबर फाइव, सीमास हेयर इज द बेस्ट इन हर क्लास. सीमास हेयर इज द बेस्ट इन हर क्लास. ब्रैकेट में लिखा है लॉन्ग. प्लेट्स के आगे द हो तो समझ लेना ये कौन सी डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री है. अगर ब्लैंक्स के बाद देन हो तो हमें पता चल जाना चाहिए कौन सी डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री है. सो सीमास हेयर इज द लॉन्ग है, तो लॉन्ग का सुपरलेटिव फॉर्म कौन सा होगा? एल ओ एन जी, और पीछे क्या ऐड करना है हमें? ई एस टी. सीमास हेयर इज द लॉन्गेस्ट इन हर क्लास. ओके, आगे देखो नंबर सिक्स, कार्तिक इज लेस देन हिज ब्रदर. कार्तिक इज लेस देन हिज ब्रदर. ब्रैकेट में लिखा है स्मार्ट. ब्लैंक्स के बाद क्या है? देन. सो ब्लैंक्स के बाद देन है तो कौन सी डिग्री है ये? बोलो, हु विल गिव मी आंसर? सुपरलेटिव डिग्री है, पॉजिटिव है कि कंपैरेटिव है? सो ब्लैंक्स के बाद देन है मींस ये कंपैरेटिव डिग्री है. और यहाँ पर देखो दो पर्सन के बारे में भी कंपैरिजन हो रहा है, कार्तिक और उसके भाई के बारे में. सो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा एस एम ए आर टी स्मार्ट. कंपैरेटिव है इसलिए पीछे हम लगाएंगे ई आर. सो कार्तिक इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर. आगे देखो नंबर सेवन, दिस इज अ डैश ब्लैंकेट. दिस इज ए डैश ब्लैंकेट. ब्रैकेट में लिखा है वाम. सो यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं है, ना ब्लैंक्स के आगे दो है, ना ब्लैंक से बात देन है, ना सेंटेंस में हमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है. मीन्स इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस, ओके, पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस. सो यहाँ पर जो ब्रैकेट में वर्ड है आंसर सेम टू सेम हमें यहाँ पर लिखना है. दिस इज अ वार्म ब्लैंकेट. आगे नंबर एट, दिस बॉक्स इज द डैश ऑफ ऑल द बॉक्सेस. This box is the dash of all the boxes. Bracket में word लिखा है L I G H T, light. Blanks के आगे the है. और यहाँ पे comparison all the boxes, मतलब सारे boxes के बीच में से करना है. So obviously ये superlative degree का sentence है. So we have to write here L I G H T, light. पीछे हम add करेंगे E S T, lightest. So this box is the lightest of all the boxes. Okay, as much me aapko. So once again we will read it. First likha hai, are you doing everything yourself? To yahan par yourself reflexive pronoun hai, isliye humne yahan par underline kiya hai. Second hai, that is a beautiful picture. To beautiful jo hai wo adjective hai, isliye humne circle kiya hai. Number 3, I have a little water in the bottle. सो लिटल जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन वो कौन सा एडजेक्टिव है? तो इट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है. नंबर 4, विशाल इज टॉलर देन वैशाली. यहाँ पे टॉल का कंपैरिजन लिखा है टॉलर. नंबर 5, सीमास हेयर इज द लॉन्गेस्ट इन हर क्लास. यहाँ पर लॉन्ग का सुपरलेटिव फॉर्म लिखा है लॉन्गेस्ट. नंबर 6, कार्तिक इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर. तो ये ब्लैंक्स के अंदर स्मार्ट का कंपैरेटिव फॉर्म लिखा है स्मार्टर. नंबर 7, दिस इज अ वार्म ब्लैंकेट. यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं किया, जो ब्रैकेट में वर्ड है सेम टू सेम हमने यहाँ पर लिखा है. नंबर 8, दिस बॉक्स इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल द बॉक्सेस. यहाँ पर हमने लिखा है लाइट का सुपरलेटिव फॉर्म लाइटेस्ट. ओके, सो नाउ लेट्स राइट, कंटिन्यू विथ मी.
Let's see number 9. These are my shoes. These are my shoes. ब्रैकेट में लिखा है. Underline the adjective and write the kind of adjective. So, ये sentence में हमें adjective find out करना है. उसके नीचे underline करनी है और वो कौन से type का है. Means उसका प्रकार जो है type है वो लिखना है. Okay? So, आपने अलग अलग types के adjective सीखे हुए हैं. Adjective of quantity, adjective of quality, possessive adjective, demonstrative adjectives. तो सबसे पहले हम identify करेंगे adjectives. तो ये जो sentence है उसमें हमारा adjective है am, why, my. So my जो है वो कौन सा adjectives है? तो it is adjective possessive adjective. So यहाँ पर हमें लिखना है adjective of possessive. P-O-S-S-E-S-S-I-V-E Adjective of possessive. क्या लिखा मैंने? Adjective of possessive. Okay. Next आगे देखो. Number 10. Tina runs less than Hina. Tina runs less than Hina. ब्रैकेट में लिखा है फास्ट. सो ब्लैंक्स के बाद देखो क्या है. देन मींस विच फॉर्म वी हैव टू राइट. कौन सी डिग्री हमें यहां पर यूज करनी है. सो देन है मींस हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है. तो फास्ट का कंपैरेटिव फॉर्म कौन सा है? तो फास्टर. एफ ए एस टी ई आर फास्टर. टीना रन्स फास्टर देन हीना. नंबर 11 यंग डैश ब्रैकेट में लिखा है राइट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एज. मींस जो यंग है उसका कंपैरेटिव फॉर्म हमें लिखना है. मतलब इसकी कंपैरेटिव डिग्री हमें लिखनी है. तो यंग कंपैरेटिव फॉर्म है उसका यंगर. वाई ओ यू एन जी ई आर यंगर. कंपैरेटिव फॉर्म में पता है ना मोस्टली ऐड क्या करते हैं हम? तो ई आर करते हैं. और सुपरलेटिव फॉर्म होता है तो हम ई एस ई ऐड करते हैं. नंबर 12 एस एच ओ आर टी शॉर्ट ब्रैकेट में लिखा है राइट सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ ई. तो यहां पर हमें सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है शॉर्ट. तो शॉर्ट का सुपरलेटिव फॉर्म कौन सा है? सो यहां हम लिखेंगे एस एच ओ आर टी. पीछे क्या ऐड करना है बोलो? जैसे कि मैंने अभी बताया ई एस टी shortest. Superlative form में हम est add करते हैं ज्यादातर और comparative form में हम क्या add करते हैं? er. Okay. Number 13 best best bracket में लिखा है right positive form of it. So best का positive form कौन सा है? Best जो है वो superlative form है. Better है वो comparative form है. तो यहां पर उसका पॉजिटिव फॉर्म है गुड. ओके सो आपको तीनों तीन याद रखने होंगे. पॉजिटिव फॉर्म, उसका कंपैरेटिव फॉर्म और उसका सुपरलेटिव फॉर्म. नेक्स्ट आगे देखो नंबर 14 व्हिच वे डिड द बॉय गो. व्हिच वे डिड द बॉय गो. अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड राइट द काइंड ऑफ इट. तो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है और वो कौन से टाइप्स का है वो भी हमें लिखना है. सो व्हिच वे डिड द बॉय गो. सो ये सेंटेंस के अंदर जो व्हिच है वो एडजेक्टिव है. उसका टाइप कौन सा है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेटिव. कौन सा है? इंटरोगेटिव. आई एन टी ई डबल आर ओ A T I V E. Okay. Adjective of interrogative. Last number 15. Rima is less than her sister. Rima is less than her sister. Bracket में लिखा है W I S E wise. तो ये जो sentence है वो कौन से form का है? तो then लिखा है blanks में. Means ये comparative form है.
तो हमें ब्लेंड्स में यूज करना है कंपैरेटिव फॉर्म. रीमा इज W-I-S-E, वाइस, उसके पीछे हमें ऐड करेंगे आर, तो क्या हो गया वाइजर. रीमा इज वाइजर देन हर सिस्टर. ओके, सो वी हैव डन ऑल द एक्सरसाइज. नाउ वंस अगेन वी विल रीड इट. नंबर 9, दीज आर माय शूज. सो यहां पर हमने अंडरलाइन किया है एडजेक्टिव के नीचे, और कौन सा एडजेक्टिव है ये, तो एडजेक्टिव ऑफ पोजेसिव. नेक्स्ट है नंबर 10, टीना रन्स फास्टर. तो यहां पर हमने फास्ट का कंपैरेटिव फॉर्म लिखा है फास्टर. नंबर 11, यंग. तो यंग का कंपैरेटिव फॉर्म हमने यहां लिखा है यंगर. नेक्स्ट है नंबर 12, शॉर्ट. तो शॉर्ट का यहां पर हमने सुपरलेटिव फॉर्म लिखा है शॉर्टेस्ट. नंबर 13, बेस्ट. सो बेस्ट का पॉजिटिव फॉर्म हमने लिखा है यहां पर गुड. नंबर 14, व्हिच वे डिड द बॉय गो. तो यहां पर हमने एडजेक्टिव के नीचे अंडरलाइन किया है, एडजेक्टिव है व्हिच, और कौन सा एडजेक्टिव है, तो इट इज एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेटिव. नेक्स्ट आगे देखो नंबर 15, रीमा इज वाइजर देन हर सिस्टर. तो यहां पर हमने वाइज का कंपैरेटिव फॉर्म लिखा है वाइजर. सो इसी तरह आपको भी ये सारी एक्सरसाइज आपकी इंग्लिश की नोटबुक में अच्छे राइटिंग से लिखनी है और साथ में रीड भी करना है. थैंक यू सो मच. जब भी सेंटेंस में इज वाज वर होता
हमें लिखना है I like junk food. यहाँ पर हमें एक भी helping verb यानी कि auxiliary verb नहीं दिया है. So क्या करेंगे हम? So we have to use ourselves and we have to write the sentence. So I इसलिए हम यहाँ पर use करेंगे do. Negative के लिए use करना है not. I do not like junk J-U-N-K junk F-O-O-D food. I do not like junk food. 21. They have found a way. They have found a way. Bracket में लिखा है. Change the sentence into question form. आगे हमने जो sentence change किए वो negative में किए थे. Change. अब हमें question form में change करना है. So let's see here. Question form में जब हम sentence change करते हैं, तो अगर sentence में is, am, are, was, were, helping verb होता है, तो उसे हम आगे ले लेते हैं. तो यहाँ पर have already auxiliary verb दिया है, तो हमें have को आगे लेना है. Have they found a way? और एक बात आपको खास याद रखनी है, जब भी हम सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करते हैं तो लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क रखना भूलना नहीं है. ओके, सो हैव दे फाउंड अ वे. नेक्स्ट आगे देखो नंबर 22. आई डैश मीट यू टुमारो. आई डैश मीट यू टुमारो. ब्रैकेट में लिखा है इज एम एंड सैड. सो यहां पर है सेंटेंस फ्यूचर टेंस का. सो ऑब्वियसली हमें यूज करना है यहां पर एस एच ए डबल एस सैड. आई सैल मीट यू टुमारो. नेक्स्ट देखो नंबर 23. यू डैश बाय अ न्यू बैग. यू डैश बाय अ न्यू बैग. ब्रैकेट में लिखा है इज was and can. So right answer is our can. You can buy a new bag. Okay? क्योंकि you के साथ ना हम is use कर सकते हैं ना was. Number 24. Could not dash write short form of it. So यहाँ पर हमें could not का short form लिखना है. So short form है उसका C O U L D एंड कॉमा करके हमें लिखना है टी. कुडंट शुड नॉट. कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है कुडंट. उसी तरह इज नॉट का है इजंट. वाज नॉट का है वाजंट. मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म लिखाए हुए हैं. सो यू हैव टू रीड इट आल्सो. नेक्स्ट है विल नॉट. सो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे होगा डब्ल्यू ओ एन कॉमा करके आपको लिखना है टी वॉन्ट. सो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट. Okay, so I hope you have understood in all the exercise. Now once again we will read it. You have to pay attention here. Number 16. Which is your house? So right answer is our which. Number 17. That is a pretty frog. So yahan par humne answer likha hai that. Kyunki sentence jo hai wo singular form mein hai. Number 18. They were playing hockey. सो ऑक्सिलरी वर्ब के नीचे अंडरलाइन करना है. तो ऑक्सिलरी वर्ब है हमारा यहाँ पर वर. ही इज गोइंग अलोन. सो नेगेटिव है उसका ही इज नॉट गोइंग अलोन. नंबर 20. आई लाइक जंक फूड. सो सेंटेंस हमने नेगेटिव में चेंज किया है. आई डू नॉट लाइक जंक फूड. नंबर 21. They have found a way. So change the sentences into question. हमने यहाँ पर question में change किया है. Have they found a way? Question mark में जब भी change करते हैं तो हमें question mark की sign करना भूलना नहीं है. 22 number. I shall meet you tomorrow. So right answer हमारा S H L L sir. 23. You can buy a new bag. So right answer है हमारा C A N can. Number 24.
नॉट का शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर हमने लिखा है कुडंट 25 विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा है यहाँ पर वांट सो इसी तरह आपको ये पूरी एक्सरसाइज आपकी इंग्लिश की नोटबुक में अच्छे राइटिंग से लिखनी है थैंक यू स्टूडेंट्स